नमस्कार व्यस्त मित्रों, आजकल कई स्वास्थ्य जागरूक लोग अपने दैनिक आहार में सूखे मेवे शामिल कर रहे हैं, खासकर खाजू। इसे अपने आहार में शामिल करें। क्या इससे सचमुच लाभ मिलता है? क्या कोई भी दुष्प्रभाव है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? या लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखें और जानें। काजू विशेष रूप से असंतृप्त वसा से भरपूर होते हैं। इससे समय से पहले मौत और हृदय रोग जैसे खतरनाक बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। काजू में चीनी भी कम और फाइबर अधिक होता है। आपको पता है, काजू में मांस के बराबर प्रोटीन होता है। और क्या जो लोग मांस से परहेज करते हैं, वे बिना किसी चिंता के प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं? जिन लोगों में हमेशा ऊर्जा की कमी रहती है, उन्हें काजू बहुत ऊर्जा देता है, क्योंकि इसमें तांबा भी प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा काजू मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे खनिजों का भी स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत रखता है। बस इतना ही, ऐसा मत सोचो कि और कुछ है। आइए अब बिना छुपे इन्हें जानते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी काजू अच्छा फायदा पहुंचाता है, क्योंकि इनमें कैलोरी कम होती है और वे तृप्ति भी भावना पैदा करते हैं और भूख कम करते हैं, जिससे वजन नियंत्रण में रखता है और अधिक वजन से बचा जा सकता है। हम में से कई लोग चमकती और दमकती त्वचा की चाहत रखते हैं। अगर आपको ऐसी क्रेविंग है तो काजू अपने लिए अच्छा मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें सेलेनियम और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। वे छुरियों के बिना त्वचा को गोरा करते हैं। इन स्मार्टफोन की वजह से युवाओं में आँखों की रोशनी की समस्या बहुत आम होती जा रही है। यह काजू ऐसी आँखों की समस्याओं को भी दूर करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ल्यूटिन और ज़ियानदिन मोतियाबिंद जैसी समस्याओं को रोकते हैं और स्वस्थ दृष्टि बनाए रखने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ अन्य है। काजू में प्रोएंथोसाइनिडिन नामक फ्लेवोनोल होता है। यह शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए रोथ से पता चला है कि इनके नियंत्रित सेवन से कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को काफी कम किया जा सकता है। जब बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल का सेवन किया जाता है, तो यह पित्ताशय में भी जमा हो जाता है और पथरी का निर्माण करता है। ये पत्थर पित्ताशय की कार्य प्रणाली को खराब कर देते हैं। इससे तेज दर्द भी होता है। काजू ऐसी समस्याओं को रोकने में भी मदद करता है। इतने बेहतरीन स्वास्थ्य लाभ देने वाले काजू को भूनकर मसालों के साथ नहीं मिलाना चाहिए, इसे खाना भी बेहतर है। हालांकि प्रतिदिन 28 ग्राम से अधिक न लें, अन्यथा इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। Not the information given in this video is not a substitute for any medical treatment. Also, don't forget that you are taking care of your health and depending on the situation, you can seek the prescription of your doctor regarding this.